पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी कि इसे कौमी ज़बान की फिल्मों में नदीम जैसा सुपरस्टार मिला और पंजाबी ज़बान की फिल्मों में सुल्तान राही जैसा सुपरस्टार मिला। किसी भी बड़े परफॉर्मर के लिए फ़िल्म की लैंग्वेज कोई मानी नहीं रखती, इसलिए जहां एक तरफ उर्दू फिल्मों के देवता नदीम ने पंजाबी फिल्मों मुखड़ा, गोरी दिया जांजरा और जंगल दा कानून जैसी फिल्मों में अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया, वहीं दूसरी तरफ पंजाबी फिल्मों के शहनशाह सुल्तान राही ने उर्दू फिल्मों अंधाता, शाहीन और जासूस में अपनी सिक्काबंद सलाहियतों से दुनियाए फन को मोतरफ किया। इन दोनों सुपरस्टार्स ने जहां अपनी अपनी फील्ड में बिला शिरकत गैरे राज किया, वहीं दूसरी तरफ एक साथ भी कामयाबियों से भरपूर फिल्मों में काम किया। सुल्तान राही और नदीम की मुश्तरका फिल्मों की क्वांटिटी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। सुल्तान राही और नदीम ने मुश्तरका तौर पर 16 फिल्मों में काम किया। सुल्तान राही की दो फिल्मों दहशत और हसीनों की बारात में नदीम गेस्ट अपीयरेंस में थे, जबकि नदीम की एक फिल्म दिल लगी में सुल्तान राही गेस्ट अपीयरेंस में थे। एक फिल्म ऐसी भी है जो ना तो नदीम की है और ना ही सुल्तान राही की, लेकिन इस फिल्म में इन दोनों सुपरस्टार्स ने गेस्ट अपीयरेंस दी। इस फिल्म का नाम दिया और तूफान है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि नदीम और सुल्तान राही की पहली मुश्तरका फिल्म दिल लगी है, लेकिन इन दोनों बड़े सुपरस्टार्स की पहली मुश्तरका फिल्म दिया और तूफान थी। ये फिल्म ना तो नदीम की थी और ना ही सुल्तान राही की, और ना ही इस फिल्म में इन दोनों बड़े अदाकारों का आमना सामना हुआ, लेकिन ये दोनों बड़े अदाकार इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस में यूं नज़र आए कि नदीम साहब डॉक्टर के एक करेक्टर में एक सीन में नज़र आते हैं, जबकि सुल्तान राही रंगीला के मददगार के तौर पर रंगीला के ख्वाब में आते हैं। उर्दू फिल्म दिल लगी है तो नदीम और शबनम की, लेकिन इस फिल्म में सुल्तान राही के एक सीन ने ऐसा इम्पैक्ट डाला, सुल्तान राही ने एक ही सीन में ऐसी परफॉर्मेंस पेश की कि जिसे मुद्दतों याद रखा जाएगा। फिल्म दिल लगी का ये सीन फिल्म का सबसे बड़ा नाकाबले फरामोश सीन समझा जाता है। उर्दू फिल्म इंसानियत के दुश्मन वो पहली फिल्म है जिसमें नदीम और सुल्तान राही बाकायदा तौर पर मुकम्मल फिल्म में मौजूद थे। इस फिल्म में नदीम ने एक फ़र्ज शनास पुलिस ऑफिसर का किरदार अदा किया, जबकि सुल्तान राही को एक करप्ट पुलिस ऑफिसर के किरदार में दिखाया गया, लेकिन फिल्म के वाइंड अप में सुल्तान राही को पॉजिटिव टर्न दे दी गई और उन्हें भी एक फ़र्ज शनास पुलिस ऑफिसर के किरदार में दिखाया गया। फिल्म खूनी शोले में सुल्तान राही और नदीम दोनों बड़े सुपरस्टार पहली बार भाइयों के किरदार में थे। सुल्तान राही बड़े भाई के किरदार में, जबकि नदीम उनके छोटे भाई के किरदार में थे, दो ऐसे भाई जो बचपन में बिछड़ गए थे। इसी तरह फिल्म वतन के रखवाले और इंटरनेशनल लुटेरे में सुल्तान राही और नदीम तकरीबन एक जैसे किरदारों में थे। अब्दुल्ला दी ग्रेट भी वो अहम फिल्म है जिसमें सुल्तान राही और नदीम एक साथ नज़र आए। सुल्तान राही नदीम की एक बैकअप पावर के तौर पर पूरी फिल्म में मौजूद रहे। फिल्म कटवाल में भी नदीम और सुल्तान राही ने लाजवाल परफॉर्मेंस पेश की। इस फिल्म में भी ये दोनों बड़े अदाकार भाइयों के किरदार में थे। हदायतकार मसूद भट्ट की चार फिल्मों में नदीम और सुल्तान राही ने एक साथ काम किया। इन चार फिल्मों के नाम खुदा गवाह, मैडम रानी, खानदान,
और जंगल दा कानून है। खुदा गवाह में नदीम और सुल्तान राही बिछड़े हुए भाइयों के किरदार में थे, जिनमें से एक भाई बदमाश के किरदार में था जो कि सुल्तान राही थे, जबकि दूसरा भाई पुलिस ऑफिसर के किरदार में था जो कि नदीम साहब थे। फिल्म ख़ानदान में सुल्तान राही और नदीम कज़न्स के रोल्स में थे। इसी तरह फिल्म मैडम रानी और जंगल दा कानून में सुल्तान राही नदीम के लिए एक बैकअप पावर थे जो उन्हें हमेशा दुश्मनों के हमलों से बचाते हैं। फिल्म ज़मीन आसमान में सुल्तान राही और नदीम गहरे दोस्तों के किरदार में थे। इस फिल्म में भी नदीम और सुल्तान राही ने यादगार परफॉर्मेंस पेश की। सुल्तान राही और नदीम की एक और मुश्तरका फिल्म दौलत के पुजारी है, जिसमें ये दोनों बड़े सुपरस्टार मरकजी किरदारों में नज़र आए। सुल्तान राही और नदीम की मुश्तरका फिल्मों का मुख्तसर जायज़ा लेने के बाद अदादो शुमार की बात करें तो सुल्तान राही और नदीम की मुश्तरका ऐसी फिल्में जिनमें वो मुकम्मल तौर पर फिल्म में मौजूद थे, ऐसी फिल्मों की तादाद 12 है, जिनके नाम ये हैं: इंसानियत के दुश्मन, वतन के रखवाले, खूनी शोले, अब्दुल्ला दी ग्रेट, दौलत के पुजारी, खुदा गवाह, कटवाल, इंटरनेशनल लुटेरे, ज़मीन आसमान, ख़ानदान, मैडम रानी, जंगल का कानून। जबकि चार फिल्में ऐसी हैं जिनमें नदीम और सुल्तान राही या दोनों में से एक अदाकार गेस्ट अपीयरेंस में थे। इन चार फिल्मों के नाम ये हैं: दिया और तूफान, दिल लगी, दहशत, हसीनों की बारात। यूं सुल्तान राही और नदीम ने मुश्तरका तौर पर 12 और 4 16 फिल्मों में काम किया। इन दोनों बड़े सुपरस्टार्स की मुश्तरका तौर पर पहली फिल्म दिया और तूफान, जबकि आखिरी फिल्म जंगल का कानून थी।